डिपार्टमेंट में जो हमारे साइड इंजीनियर होते हैं डिपार्टमेंट, छोटे छोटे कार्यों की शुरुआत की और उसकी डिग्री, तो बड़े बड़े कामों में आवश्यकता होती है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, सीसी को नापा जाता है। सेट इजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एक गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर श्री धर्मेंद्र यादव जी से बात की, जिन्होंने सिविल कंस्ट्रक्शन में अपना करियर जीरो से स्टार्ट किया और कुछ ही वर्षों में आज ये करोड़ों रुपए की सिविल कंस्ट्रक्शन के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और उनके अनुभव कैसे रहे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि एक नया व्यक्ति ठेकेदारी कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो सिविल कॉन्ट्रैक्टरशिप में आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने कमेंट अवश्य लिखें। अपने बारे में बताइए धर्मेंद्र जी। मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पिछले 15 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ और नगर पालिका से मैंने शुरुआत की थी और आज PWD है, एजुकेशन है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आदि विभागों में ठेकेदारी कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी रोड का काम किया है। वर्तमान में PhD का कार्य कर रहा हूँ, जो नगर पालिका में भी कार्य चल रहा है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपने कैसे शुरुआत की, किस तरह के काम लिए आपने? सबसे पहले मैंने काम को जानने और सीखने के लिए छोटे छोटे कार्यों की शुरुआत की और वो शुरुआत मैंने नगर पालिका से की। नगर पालिका में सबसे पहले मैंने 2-2 लाख रुपए की CC रोड ली, कुछ नालियाँ बनाई। इसके बाद अनुभव बढ़ता गया और उसके बाद काम बड़े बड़े लेकर गया। किस तरह की प्रॉब्लम आई आपको स्टार्टिंग में? थोड़ा बहुत सीखने में मदद मिलती है। किन लोगों से मदद ली आपने? एक्चुअली मैं खुद ही एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेजरमेंट में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और पहले मैंने अध्ययन किया, जैसे CC को नापा जाता है तो वो कैसे नापा जाता है, उसका आज वो एरिया कैसे निकालेंगे, ये सब थोड़ा मैंने सीखा था बड़े बड़े ठेकेदारों से। और इस लाइन में जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, वो लोग मदद करते हैं दूसरे लोगों की? अच्छा, आप ये बताइए धर्मेंद्र जी कि आपको ये ठेकेदारी अपने कैरियर के रूप में करने के, मतलब आपने जो ठेकेदारी की, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि मुझे शुरू से ही फील्ड जॉब पसंद है, बन के कार्य करने में मुझे असुविधा होती है। पहले मेरा उद्देश्य था एक फायदा बनने का, पुलिस और इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी अप्लाई किया मैंने और इंटरव्यू तक भी पहुँचा, मतलब दुर्भाग्यवश मेरा उसमें चयन नहीं हुआ है। तो फिर मैंने ठेकेदारी को करियर के रूप में चुना, इसकी शुरुआत मैंने नगर पालिका से की और आज फिर हूँ मैं सफल एक सक्सेस ठेकेदार हूँ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हमारे दर्शक जो ठेकेदारी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, उन्हें आप बताना चाहेंगे कि ठेकेदारी कैसे शुरू की जा सकती है? सबसे पहले तो किसी भी कार्य को करने के लिए यह अपने आप को सेटिस्फाई करना बहुत आवश्यक है। हाँ, वो उस क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। यदि वो ठेकेदारी के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से किसी बड़े ठेकेदार या जो सीनियर ठेकेदार है उसके यहाँ जाके थोड़ा काम करना चाहिए, 2-4-6 महीने या एज ए मुनीम या सुपरवाइजर के रूप में, और कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब उन्हें ऐसा लगे लगा कि कार्य ठीक है, हम कर सकते हैं, तो अपना एक पंजीयन कराएं और काम को शुरू करें। इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी फेस करने की कोई बात नहीं है। तो स्टार्टिंग में किस तरह के काम लेना चाहिए? स्टार्टिंग में छोटे छोटे कार्य लेना चाहिए, जैसे नाली निर्माण कार्य है, नगर पालिका में शुरुआत करें बेहतर होगा, या PWD विभाग में मेंटेनेंस वर्क करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे पुताई वगैरह बिल्डिंग में होती है 2-4 लाख के काम अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, रिपेयरिंग तो वो अरेंज किया जा सकता है, संभाले असुविधा नहीं होती है। छोटी छोटी CCs ले लें, CC निर्माण कार्य कर लें,
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है? इसके लिए किसी प्रकार की स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बस एक पंजीयन की आवश्यकता है। तो धर्मेंद्र जी, अब ये बताइए कि जो आपने सबसे पहला कार्य किया था वो कितने अमाउंट का था? वो मैंने उस काम के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने सबसे पहले नगर पालिका में 2-2 लाख रुपए की 3 CC रोड का कार्य किया था। फिर चूंकि मैं अनजान था, मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो मैं बड़े बड़े सीनियर जो ठेकेदार थे उनसे मिला कि कैसे गिट्टी, कहाँ से गिट्टी परचेज की जाए, बोल्डर कहाँ से परचेज की जाए, रेत सीमेंट कहाँ से लिया जाए। तो लोगों ने मेरी मदद की, बताया कि फलानी दुकान से ले लो, तो उसके यहाँ से ये गिट्टी ले लो, फिर तोड़वाई। इस तरह से शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस की, लेकिन फिर आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय में आपका काम कंप्लीट हो गया था? 2 महीने में काम कंप्लीट हो गया। और टाइम कितना मिला था आपको डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट से टाइम 6 महीने का। 6 महीने का टाइम मिला था, कुछ प्रॉफिट हुआ उसमें? हाँ, प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की 6 साल है उससे सेवक था, इसलिए अच्छा प्रॉफिट। तो पहली बॉल पर छक्का लगा दिया, मतलब आपने। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये बताइए कि जैसे कोई ठेकेदारी स्टार्ट करता है तो उसको कौन कौन से टूल्स लेने की आवश्यकता है? छोटे कार्य के लिए मेरे ख्याल से किसी प्रकार के टूल्स की आवश्यकता नहीं है। और जैसे CC रोड बना रहा है आपको, तो उसके लिए एक मिक्सर मशीन की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी सेंटरिंग शटरिंग चीज़ होती है, और नाली के लिए भी सेंटरिंग शटरिंग की आवश्यकता लगती है। तो ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी? फिर खरीदनी पड़ेगी, एक वाइब्रेटर भी खरीदना पड़ेगा आपको, या मार्केट में कहीं रेंट पर भी उपलब्ध हो जाती है? रेंट पर भी उपलब्ध है, तो खरीदने वो बेहतर ये है कि यदि आपके पास ज़्यादा वर्क है तो कुछ खरीद लेना चाहिए। जैसे एक टैंकर है, ट्रैक्टर है, टैंकर है, एक मिक्सर मशीन है, ये आदि। एक सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि किसी को भी ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? चूँकि शुरू में सपोज डेट दिए आप 10 लाख रुपए का कार्य करते हैं, तो उसके लिए 2.5 से 3 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। ऐसा एक स्पेसिफिकेशन है कि आप 25% के पूंजी से कार्य कर सकते हैं कोई भी कार्य। तो 25% पूंजी में और बाकी का 75% कहाँ से आएगा? वो रनिंग बिल होता जाता है। अच्छा, आज 2 लाख का कार्य बिल लिया, 2 लाख का बिल भर गया, उसके बाद और आगे कार्य कर लिया, तो फिर कार्य होता है। आपका मतलब ये पार्ट पेमेंट होता जाता है? पेमेंट होता जाता है। तो पार्ट पेमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने पार्ट में पेमेंट कर सकता है? वो आपकी सुविधा के अनुसार है, आपकी जैसी वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार आप बिल भरवा सकते हैं। चाहे तो 10 लाख के काम में 10 बिल भरवा लें, अच्छा, फिर आप चाहें तो 2 बिल बनवा लें, 3 बिल बनवा लें, जैसे आपकी सुविधा। वो अपने पास कितनी पूंजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस काम में परचेजिंग कितनी महत्वपूर्ण है? परचेजिंग का भी अपना एक विशेष योगदान है। यदि आप मार्केट रेट से जैसे सीमेंट खरीदना है, यदि थोक भाव आप सीमेंट खरीदते हैं तो 10-20 रुपये भी यदि आप प्रति कट्टा बचाते हैं तो वो एक धीरे धीरे करके बड़ा जाती है आपकी सेविंग में जाती है, अपना ही प्रॉफिट, अपना ही प्रॉफिट है। परचेजिंग में जितना आप लोगों को बार्गेनिंग कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट है। एक ठेकेदार को भी वैसे सामान्य लोगों से थोड़ा सस्ता ही मिलता है, मार्केट में धीरे धीरे आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जाते हैं, लोग आपको देते जाते हैं, जानने लगते हैं, पहचान लगते हैं, रेट गिट्टी है आदि भिजवा देते हैं कम है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है? रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक GST नंबर होना चाहिए। GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? हाँ, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन है मध्य प्रदेश सरकार में, उसमें कोई श्रेणी या ग्रेड नहीं है, आप बस किसी भी डिपार्टमेंट में, मध्य प्रदेश के सारे डिपार्टमेंट में उस रजिस्ट्रेशन से ठेकेदारी कर सकते हैं। और अदर स्टेट के लिए हमारे दर्शक तो जो कि पूरी इंडिया से आते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। अदर स्टेट के लिए तो फिर एक CPW सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसका पंजीयन होता है, तो उसके द्वारा आप है ना ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में PWD विभाग में ठेकेदारी कर सकते हैं। और ये रेलवे वगैरह का क्या रहता है? रेलवे में भी आप है ना जैसे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं तो रेलवे में भी आपका यही रजिस्ट्रेशन, इसी रजिस्ट्रेशन से काम हो जाता है, उसमें कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है।
धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए, हम कई ठेकेदारों द्वारा सुनते हैं कि हमारे इंजीनियर साहब हैं, हमारे इंजीनियर साहब यहाँ गए हैं। इंजीनियर का क्या रोल रहता है इसमें, मतलब क्या ठेकेदार को एक इंजीनियर रखना जरूरी है? छोटे छोटे कामों में एक इंजीनियर की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जैसे बड़े काम 30 लाख से ऊपर या 50 लाख से ऊपर होते हैं तो विभाग भी आपसे है ना, जब आप टेंडर डालेंगे तो उसमें कंडीशन रहती है कि आपका एक इंजीनियर होना चाहिए, उसकी डिग्री लगानी पड़ती है सिविल इंजीनियर बी की। तो बड़े बड़े कामों में आवश्यकता होती है, छोटे कामों के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। तो छोटे कार्य करने के लिए ये मार्गदर्शन इंजीनियर वाले मार्गदर्शन कौन देगा? डिपार्टमेंट में जो हमारे साइड इंजीनियर होते हैं डिपार्टमेंट के, वो आपको गाइडेंस करते हैं, जो समय समय पर चेक करने जाते हैं, लगभग 1 या 2 दिन आते ही है, रेगुलर आते हैं पूरी और सारी जानकारी। बिलिंग प्रोसेस के बारे में बिलिंग प्रोसेस ही कोई करता है, जो साइड इंजीनियर होता है वो बिलिंग प्रोसेस करता है। यदि आप बड़ा कार्य कर रहे हैं तो आपका इंजीनियर प्रोसेस बिल बनाएगा, आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। और छोटे काम के लिए साइड इंजीनियर बिल बना के दे रहे हैं, उसके फिर उसके हिसाब से पेमेंट हो जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट अवश्य लिखें। सेठ इजी वर्ल्ड से मैं सलोनी सेठ, थैंक।